राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों का अभी ऐलान ही हुआ था कि राजद ने एक और ऐलान कर दिया है। राजद की तरफ से एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है और जो चेहरे सामने आए हैं वो चेहरे काफी जाने पहचाने हैं। एक तरफ जहां राजद ने अपने युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है, वहीं खबर है कि कई अन्य नेताओं की लॉटरी लगी है। राजद की तरफ से ऐलान किया गया है, बड़ी बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में आज सब कुछ तय हो गया है। कारी शोएब, मुन्नी देवी, अशोक कुमार पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। 7 सीट पर एमएलसी के चुनाव होने हैं और राजद के खाते में 3 जाएगी, इसको लेकर राजद ने आज ऐलान कर दिया है। राजद लगातार अपने प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी करता आ रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में भाजपा और जदयू एक बार फिर से आत्ममंथन करेंगे। 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों पर वो लोग किनको किनको प्रत्याशी बनाते हैं ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन राजद की तरफ से आज प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। एक तरफ आज नामांकन हो रहा है भाजपा प्रत्याशियों का, राज्यसभा प्रत्याशियों का, वहीं एमएलसी चुनाव में अभी समय है, गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। खबर यह है कि जल्द ही एमएलसी चुनाव को लेकर बाकी सभी दल फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी आज बड़ी बैठक कर रही है और इस बैठक में जो कोर कमेटी की बैठक है प्रदेश कार्यालय में चल रही है, चुनाव और संगठन को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन इसी बीच राजद ने ऐलान कर दिया है और राजद के ऐलान के बाद कहीं ना कहीं भाजपा और जो तमाम बिहार में दल है जदयू सभी लोग हरकत में आ गए हैं। विधायकों के आधार पर जो एमएलसी का चुनाव होना है इसको लेकर ऐलान किया गया है। खबर यह थी कि माले सहित कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उन सभी को जोड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस माले सभी लोगों को साइड करते हुए राजद ने एक बार फिर से अपने प्रत्याशी को आगे भेजने का ऐलान किया है। कारी शोएब को जगह मिली है, मुन्नी देवी और अशोक पांडे को टिकट मिला है, यानी राजद फिर एक तरफ से नए समीकरण की तलाश कर रही है। एक मुस्लिम चेहरा, दूसरा अगर बात की जाए तो सवर्णों की तरफ से दिया गया है, ओबीसी की तरफ से एक दिया गया है। राजद ए टू जेड को लेकर लगातार जो बातें कर रही है उसमें सब कुछ अब सामने दिखता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक बार फिर से ऐलान किया गया है और इस वक्त की बड़ी खबर है राजद की तरफ से एमएलसी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।